नमस्कार, मैं प्रेक्षा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। भाजपा विधायक शरद कोल ने अपने ही सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने को लेकर चर्चाओं में रहने वाले शहडोल के ब्योहारी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक शरद कोल एक बार फिर अपनी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए सुर्खी में आए हैं। दरअसल अपने ही विधानसभा क्षेत्र के 52 गांवों में ट्रांसफार्मर नहीं लगने के कारण हो रही परेशानियों को लेकर कई बार शहडोल कलेक्टर कार्यालय के चक्कर लगाकर थक गए। शरद कोल ने आज फिर शहडोल कलेक्टर से मुलाकात कर ट्रांसफार्मर लगाने की गुहार की है और एक माह का अल्टीमेटम भी दिया है। यह कहते हुए कि यदि एक माह के भीतर उनकी समस्याओं का निदान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करेंगे। साथ ही उन्होंने काम नहीं कर रहे, कुर्सी तोड़ रहे अधिकारों से मुख्यमंत्री से शिकायत करने की बात कही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में हमारी सरकार होते हुए भी अधिकारी हमारी नहीं सुनते। आपको बता दें कि ये वही शरद कोल हैं जो कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा में शामिल होने के दौरान विधायक बनने के बाद से लेकर किसी न किसी मामले को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। कभी अवैध रेत उत्खनन के मामले को लेकर सड़क पर हंगामा किया तो कभी खराब सड़क के मामले को लेकर अपनी ही सरकार को आड़े हाथों लिया था। शहडोल से अविनाश शर्मा की रिपोर्ट, देखते रहिए द खबरदार न्यूज। ऐसे उन अधिकारियों को भी हम आगाह करने आए थे, माननीय कलेक्टर महोदय के संज्ञान में हमने बात लाई है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि इसको समय रहते जो है जल्द से जल्द निदान कराएंगे। कितने गांवों में ट्रांसफार्मर नहीं है और कितने की लिस्ट आपने यहाँ कई कितने बार प्रशासन लगभग लगभग हमने जो है 50 ट्रांसफार्मरों की पॉइंट हमने बताए हैं इनको, और उसके अलावा भी कई ऐसे पॉइंट है जिनको समय पे हमने अपने स्तर पे भी वहाँ जो है किसी में ऑयल जलना है कि ऐसे अनेक प्रकार की छोटी छोटी समस्याएं उसको सॉल्व किया है वहाँ। लेकिन ये बड़ी मात्रा है, करीब 50 की तादाद में मेरे जैसे नगर ब्लॉक के और ब्योहारी ब्लॉक के कई गांवों में ऐसी स्थिति सुनने में आ रही है। कब से इस समस्या के लिए आप प्रयास कर रहे हैं कि ये करीब 1 से 1.5 माह हो गए। फोन के माध्यम से भी कई बार हमने कलेक्टर महोदय को बताया, डी को बताया, एसी को बताया और जो बिजली विभाग के आला अधिकारी हैं उनको अवगत कराया, लेकिन उनको अपने अधिकारियों को हमारे सामने आश्वासन दे रहे हैं लेकिन वो परिणित होकर जमीनी स्तर पर नहीं दिख रहा। आज क्या आश्वासन? आज हमने जो है तो कलेक्टर साहब के चैम्बर में संबंधित विभाग के एसी साहब को भी बुलवाया था उन्होंने, और उनके सामने हमने ये बात कही है कि साहब देखिए, इसमें अगर आपके विभाग के जो निचले स्तर का कर्मचारी है निरंतर डोर टू डोर जाकर अगर मीटर रीडिंग नहीं लेगा तो आम गांव का जो अशिक्षित वर्ग का व्यक्ति है, जो किसान है, किसान तो हद तक बिल जमा करता है लेकिन आम वो मजदूर वर्ग जिसके पास बिल समय पर न पहुंचने के कारण ऐसी एक अंबार टाइप में एक उनके पास 10,000 15,000 20,000 का बिल इकट्ठा हो जा रहा है, उनको इकट्ठा देने में काफ़ी समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं। ये हमारे बिजली विभाग के निचले स्तर के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण क्योंकि कलेक्टर साहब ने संबंधित विषय की जांच कराने के लिए भी बोला है और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अगर आपकी बातें नहीं मानेंगी, क्योंकि पहले भी आप बोल चुके हैं उनको, अगर अब नहीं मानेंगे तो आप लोग क्या करेंगे? हमने एक हफ्ते का समय और लिया है, इसके पहले मेरी चुनाव ड्यूटी लगी है, मैं वहाँ पे भी जा रहा हूँ और वहाँ से आने के बाद एक हफ्ते का हमने समय दिया है कि इसको समय रहते अगर नहीं सुधारा तो हम उन्हीं पब्लिक के साथ हम अल्टीमेटम दे के धरने पे बैठे। कहाँ? कलेक्ट्रेट में बैठेंगे? कलेक्ट्रेट पे बैठेंगे, तहसील स्तर पे जरूरत पड़ेगी। आम जनमान अगर बड़ी तादाद में आता है तो वहीं हम बैठेंगे। वहीं वैसे भी कोरोना काल में महामारी में लोग परेशान हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, क्या प्रभावित तो है। इन अधिकारियों की शिकायत भी करेंगे मुख्यमंत्री से, क्योंकि आप तो विधायक हैं और आपका काम है कि अगर कोई काम इस तरह से नहीं कर रहा है तो वहां तक बातें पहुंचाएं। बेशक हम शिकायत करेंगे, ऐसे जो है अपने जो दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, खाली कुर्सी तोड़ते हुए बैठे हैं, ऐसे लोगों की शिकायत हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करेंगे।